वो कुआं है जहाँ पे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए गोलियों के जो निशान है ना, ये जो मार्किंग कर रखी है, ये इस बाल पे है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं हो चुका हूँ रेडी, और कल रात को हम रुके थे अमृतसर में। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए जलियांवाला बाग, और शाम के टाइम पे हम जाएंगे बाघा बॉर्डर। वहाँ पे जाके जो सेरेमनी होती है वो देखेंगे, मैप के थ्रू ही जाएंगे, हमें पता नहीं है, हम मैप ही है हमारा सहारा। सो चलते हैं गाइस, बाकी की बातें तो आज दिन में होती रहेंगी आप सभी से। जलियांवाला बाग यहाँ से है 2.3 किलोमीटर, और टाइम देखो 2.3 किलोमीटर के लिए यहाँ पे 33 मिनट लगने वाले हैं। इसका मतलब भीड़ मिलने वाली है। अमृतसर की गलियां भीड़ी हैं भाई, वो बाय वॉक थे 33 मिनट। डिफरेंट काइंड ऑफ माहौल है इधर का। ओ देखो भाई, ठोक दी स्कूटी वाले ने गाड़ी के साथ, स्कूटी ऐसे चलाते हैं तो भी गिरा। ओ भाई साहब, एक्सीडेंट, बुरा हाल है भाई, देख के चलाओ। तो ये इस रास्ते से तो रात को हम आए थे, इसी रास्ते से पहुंचा दिया आज फिर से। वैसे दरबार साहिब के पास में ही है, वो गोल्डन टेंपल के पास में ही है जलियांवाला बाग ना। अभी तो सारी मार्केट बंद है, और थोड़ी देर में खुल जाएंगी। रात को ये लाइट्स दिखा रहा था, अभी भी जली हुई है, पूरी रात जलती होंगी ये, दिन रात ऑन ही रहती है क्या। यहाँ से हमें जाना है अभी लेफ्ट, हाँ लेफ्ट जाना है। बढ़िया भाई, बढ़िया, हिमाचल हिमाचल, ओके भाई। बाइक पार्किंग। सो गाइस, अभी पार्किंग में लगानी पड़ेगी बाइक। ये है, हाँ जी भाजी, कितने रुपये की पर्ची है? अच्छा, गम खराब तो नहीं करेगी ना? गाइस इधर है भीड़ बहुत ज़्यादा, और एंट्रेंस से देखो जलियांवाला बाग की एंट्रेंस ही है। ये जो कुआं है ना, ये वो कुआं है जहाँ पे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांगे लगा दी थी जब जनरल डायर उनके ऊपर फायरिंग करवा रहा था। बहुत बड़ा कुआं है, गहरा कुआं है। अभी तो इसको बाहर से बाल लगा दी और ग्लासेस लगा दी, और पहले ये कुछ नहीं था। मेरे पीछे जो बाल है ना, ये वो हिस्टोरिकल बाल है जिस पे जनरल डायर ने जो फायरिंग करवाई थी निहत्थे लोगों के ऊपर। तो ये सब गोलियों के जो निशान है ना, ये जो मार्किंग कर रखी है, ये इस बाल पे है। सामने मैंने वो दिखाया था, वो जो कुआं है, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी थी। ये जो है सामने, जो मैंने अभी आपको दिखाया, thank you.
जहाँ पे मैं अभी हूँ, मैं हूँ जलियांवाला बाग में, और यहाँ पे देखा कि किस तरह जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे जो अत्याचार किए थे, वो पूरी कहानियाँ यहाँ यहाँ की दीवारें दर्शा रही हैं। यहाँ की जो गैलरी है वो देखी और बहुत सारी चीज़ें देखी। वो कुआं देखा जहाँ पे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी। लोग इस जगह पे इकट्ठे हुए थे ब्रिटिश हुकूमत के रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से। जनरल डायर ने उन निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया विदाउट किसी वार्निंग के, प्रायर वार्निंग के, और बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में मारे गए थे। बोलते हैं कि 350 से लेकर 1500 लोगों का यहाँ पे जान गई थी उस गोलीकांड में, और 1200 लोग जो थे वो इंजर्ड हुए थे। तो 200 के करीब लोग सीरियसली इंजर्ड थे, उनमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो ये वो जगह है, बिकॉज यहाँ पे क्या था, एंट्रेंस पॉइंट जो था वो नैरो था, और एक ही एंट्रेंस पॉइंट था, एग्जिट पॉइंट वही था। तो लोग फिर कहीं भाग ही नहीं पाए, और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांगें लगाई, और बड़ी संख्या में लोग वैसे भी मारे गए और गोलियों से भी मारे गए। यहाँ पे जो दीवारें हैं वहाँ पे जगह जगह पे गोलियों के निशान मार्किंग करके रखी हुई है कि यहाँ पे इस दीवार पे गोलियां लगी थी जब जनरल डायर ने चलवाई थी। तो ये सारी जगह है। सो गाइस, रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो जिसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। रोलेट एक्ट में ना ब्रिटिश सरकार को जो अधिकार प्राप्त हुए थे कि वो किसी भी भारतीय को बिना अदालत में मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे, और जो अपराधी जिसे जेल में डालेंगे उसका वो अधिकार समाप्त कर दिया गया था कि वो किसने उसके खिलाफ मुकदमा चलाया और क्यों चलाया वो भी को जानने का अधिकार समाप्त कर दिया। और राजद्रोह के मुकदमों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की थी, और जजों को बिना ज्यूरी सिस्टम के फैसला सुनाने का अधिकार दे दिया था। और जजों के इस फैसले के बाद में जो अपराधी थे, जो भारतीय थे, वो उस न्यायालय में उसकी अपील नहीं कर सकते थे। और इस एक्ट के थ्रू जो प्रेस की स्वतंत्रता को ब्रिटिश सरकार ने छीन लिया था। तो रोलेट एक्ट पास करने का मेन उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का यही था कि वो भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना चाहती थी और भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने रोलेट एक्ट पास किया था। तो चलते हैं, अभी ढूंढते हैं, अब बाकी फैमिली मेंबर भी आए हैं, उनको ढूंढूंगा कहाँ है, और फिर चलेंगे। और आफ्टरनून के टाइम पे मैं जाऊंगा बागा बॉर्डर, जहाँ पे वो परेड सेरेमनी होती है, वो देखने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ, टीजस गेट से एंट्री की थी, वहीं पे खड़े हैं सभी। मैं ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ अमृतसर में। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो किताबों में थी, बट अभी पता चल रहा है कि कैसा था जलियांवाला बाग, कैसा दिखता था, क्या क्या हुआ था यहाँ पे, सब दर्शाया हुआ है। तो गाइस, अभी मैं जाता हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए, और वो पीछे उनको पुलिस वाले ने रोका है चेकिंग के लिए, तो वो रुके हुए हैं बाकी फैमिली मेंबर को। बीर जी, पेट्रोल पंप किधर है? इधर पेट्रोल पंप। हाँ जी, हाँ, थैंक यू बीर जी। भाई पहुंच गए हम पेट्रोल पंप में, फुल ही कर दे वीरे। सो गाइस, पेट्रोल डलवा के निकल चुका हूँ। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर 2 किलोमीटर है, लाहौर 24 किलोमीटर है, और यहाँ से इस्लामाबाद है 322 किलोमीटर। यहाँ पे लेंगे हम फोटो, एक बनता है भाई, फोटो बनता है। अभी किससे खिंचवाऊँ, कोई तो आए, देखते हैं, खिंचवाता हूँ किसी से। भैया फोटो खींच दोगे? आ गया, थैंक यू भैया। कहाँ के? यूपी के हैं। ओके ओके, काम करते हैं जरा। ओके भैया, फाइनली हम पहुँच चुके हैं बॉर्डर पे, आगे कहाँ तक जाने देते हैं देखते हैं। एक यू टर्न बोल रहा है, नहीं हमें यू टर्न नहीं लेना, यहाँ पार्किंग होगी, 800-900 मीटर पे होगा फिर। चलो जी, ये लगा दी पार्किंग में बाइक, थोड़ा जल्दी आगे ताकि आगे हमें सीट मिल जाएगी तो बेटर रहेगा। तो गाइस ये देखो, ये है अटारी बॉर्डर, और अभी चलेंगे अंदर, और जो सेरेमनी होती है वो देखेंगे अभी चल के। मेरे ख्याल से ये सारी फेंसिंग के उस साइड जो है वो पाकिस्तानी है पूरा। हाँ, उस साइड झंडा है, झंडे के उस साइड तो पाकिस्तानी होगा, वो फेंसिंग है, एक और फेंसिंग है वहाँ पे। देखो भाई कितनी जनता है इधर, अभी भी सब परेड देखने के लिए आ रखे हैं। जेसीपी अटारी में आपका हार्दिक स्वागत है।
दर्शकगण कृपया ध्यान दें, परेड में जाते समय प्रतिबंधित सामान जैसे कि बड़ा बैग, पर्स। फाइनली मशक्कत करने के बाद 3 बजे एंट्री स्टार्ट की उन्होंने और बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो अभी आगे हैं, अभी जा रहे हैं सेरेमनी देखने के लिए। हमारे आगे बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, पर यहाँ पे ना ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। आज हम संडे के दिन आए हैं यहाँ पे, तो संडे को बहुत ज्यादा भीड़ होती है। संडे को तो जो परेड होती है ना, सेरेमनी होती है और सभी लोगों को छुट्टी होती है, तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। Thank you.
गाइस अभी परेड देख के वापस निकले हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की तरफ जो कि पार्किंग में खड़ी है। और गाइस मैं इस ब्लॉग को यही एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप सभी मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और गाइस मिलता हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।